दोस्तों मुझे अभी ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है अभी शाम को, क्योंकि बारिश हमारी सुबह से चालू हो गई है आज। और सब बोलते हैं कि जिस दिन कन्हैया जी का जन्म होता है ना, उस दिन बारिश होना ही होना है ना अंजलि? तो इसीलिए सुबह से बारिश हो रही है, अभी भी इतना रात हो गया है फिर भी बारिश हो रही है। और आज मेरा ब्लॉग लेट से स्टार्ट करने का कारण यह है कि जो हमारी लाडो है वो लाडो गोदी में ही रह रही है, सो के रही नहीं रही है। फिर उसके बाद कैसे भी करके उनको सुलाए तो अभी वो सोई हुई है। और अभी ये कहाँ गया अंश? दादू के पास? दादू के साथ है। वो अपने दादू के पास गया। दोनों बच्चे एक ही साथ नटखट करते हैं तो एक ही साथ दोनों मिलके, जैसे लगता है ना जुड़वा बच्चा का काम है, ये रोएगा तो ये भी रोएगी इस टाइप से। और यह आज हमारे घर में दो दो पूजा एक साथ कर रहे हैं। ऐसे तो हमारा जो मनसा पूजा है वो मनसा पूजा हमारी जल्दी होती है 17 तारीख को, लेकिन उस दिन हम लोग नहीं करते, सब करते हैं यहाँ के, लेकिन हम लोग नहीं करते। उस दिन मेरी माँ एक्सपायर हुई थी तो उस दिन को हम लोग याद करना ही नहीं चाहते। उपवास के दिन ही मम्मी उपवास करके हम लोग को छोड़ के चली गई, मतलब तो उस दिन हम लोग कुछ भी पूजा ना त्यौहार ना कुछ नहीं करते। तो आज मनसा पूजा भी हो गया हम लोग का, भाई और अंजलि ने मिल के किया। और आज जन्माष्टमी है तो अभी जन्माष्टमी की भी तैयारी हो रही है हमारे घर में। मैं दिखाती हूँ कैसे तैयारी हो रही है। इधर से आप देख सकते हो, पालना को मैं बैक करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं अंजलि सब साफ सुफ करे। वो तोरण क्या बोलते हैं वो, जो बड़ा वाला? बड़ा वाला का जरूरत नहीं है इसीलिए छोटा वाला भी, छोटा है चोरन का। हाँ नहीं, बड़ा वाला अगर है तो बड़ा वाला भी है, लेकिन छोटा वाला मैं अभी अभी नहीं, इस साल नहीं। अब क्या करना, अगले साल से एक थोड़ा सा एक कपड़ा लेना अच्छा वाला। हाँ। और उसको ढक देना अच्छा से, ठीक है? उसके बाद ये कर। तो फिर अंजलि भी बोल रही है कि अगली बार से और अच्छा से करेंगे, है कि नहीं? दो दो पूजा एक साथ। इधर से देख सकते हैं, इधर से प्रसादी बना रही है अंजलि, और इधर से एप्पल वगैरह जो अभी पूजा में जो चढ़ाएंगे उसके लिए अंजलि ये सब। इसमें भी तुलसी पत्ता देगी क्या? अच्छा, तब सारा चीज़ में तुलसी पत्ता दे के रखना है ना, तो इन ढक दो, ये जो गमला है ना। हाँ, एक काम करो ना, वो प्रसादी को इस गमला के अंदर घुसा। अच्छा हाँ हाँ, और उसको पहले थोड़ा सा ये कर लो, गिर ना जाए, टेढ़ा हो गया है ना, सीधा करो, थोड़ा घिसका लो फल को। हाँ ठीक है। हाँ, चम्मच को नीचे कर। हाँ, सारा प्रसादी ये हो गया ना। अब कान्हा जी का जन्म होगा 12 बजे। हाँ, तब तक अभी टाइम हो रही है, तो अभी समय हो रही है 9, और एक काम करते हैं सब तैयार हो जाते हैं। हाँ, सबको बोलना तो अभी 3 घंटा ऐसे भी हो ही जाएगा। तो अंजलि, हाँ अंजलि और मैंने डिसाइड किया कि दोनों दीदी को बोल देते हैं, वो लोग भी तैयार हो जाएगी, हम दोनों भी तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? और तब तक कान्हा जी को भी रख दिए उसके जगह पे, फिर उनका जन्म उत्सव मनाएंगे। तैयारी इधर हो चुकी है, दीदी भी इधर रेडी हो गई है, और दीदी का दी भी रेडी कर दे रही है अंजलि। बाबा रे, और कितना दिन लगेगा रेडी करने में? नहीं, पूजा करने में तो बता रहा हूँ मैं, कब तक? 12 बजे। अरे बाप रे, अरे 10 बज रहा है, उल्लू जैसे जगह है लाइक। You are Rahul, huh? Are you Rahul? So you are not sleeping? कर ले तैयारी हम लोग तब तक। अभी कुर्ता पहन पहन के क्या करेंगे अभी टाइम? थोड़े सो पता है आज है क्या, इसीलिए सोया नहीं है देखिए, नहीं तो अभी तक 10:30 बजे तो डेली सो जाता है। आज जगा हुआ है, अब देख रहा है सब क्या कर, समझे? हाँ, इसीलिए देखने के लिए कान्हा तो जगा हुआ है, मेरे बिना कैसे पूजा होगा, इसीलिए जगा हुआ ना। दोस्तों इधर से मैं तैयार हूँ, हमारी लाडो रानी भी उठ गई है, इसको भी तैयार करेंगे। एक्चुअली ये तैयार ही है, बस थोड़ा सा इसका ड्रेस चेंज कर देंगे। और आज हमारी लाडो रानी हंस रही है। हाँ हाँ बेटा, हाँ ऐसे हंसते रहना। हाँ गंदे, इसका गाल थोड़ा ज्यादा फूल गया है। हाँ ज़्यादा फुला फुला लग रहा है सर। क्या बोल रहे हैं भैया, देखो। ओ क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं भैया। अच्छा से लेना हाथ। हेलो, एक
सही बोल रहे हो, मम्मी का एकदम पोस्ट वैसा ही था जैसे एक लत मार के फुटबॉल का एकदम सीधा गोल। पोज मार के कौन सी कर रहे हैं, फोटो खिंचा हो गया बोलो हो गया, सब लोग पोज मार के खड़े हैं तो बोले यार मम्मी का पोज खत्म नहीं हो रहा है, साड़ी खुल जाएगा लेकिन मम्मी का पोज खत्म नहीं हो रहा। नहीं मौसी आपने कैमरा साइड हट जाइए ठीक है, एक के बारे में पोज मार कैमरा से काय हो जा रहा है। चलो ठीक है दांत दिखाइए मम्मी, देखा वीडियो बना रहे हैं दोस्तों इधर से देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमारी सरस्वती दीदी भी रेडी हो चुकी है, येलो येलो और बहुत ही क्यूट लग रही है आज। अलग कितनी बता रहे बंगाली बाबू, लक्की दी तो ऐसे भी अच्छी है ही, लेकिन आज सरस्वती दीदी भी कम नहीं लग रही है, लक्की दीदी भी आज बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों सच बताऊं तो सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मैं हमारी बहू रानी को दिखाती हूँ, अभी बहू रानी की तो एंट्री नहीं हुई। येलो येलो हमारी बहू रानी इतनी क्यूट लग रही है कि क्या बोले। तो दोस्तों अभी चलिए जल्दी जल्दी पूजा शुरू करते हैं क्योंकि 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है ना, 12 बज गया। सभी लोग यहाँ पर कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसलिए सब जगह हुए हमारे प्यारे भगनी भी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अभी सब गीत गा रहे हैं, नारायण वासुदेवा बोलो कृष्णा 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे। अच्छा ये वही वाला कपड़ा है ना जो लाए थे हम लोग, नया वाला कपड़ा अभी चेंज करवा जाए पहना देगा और इसको पहना जाएगा। गीत लोगों को समझ में ना कौन सा गीत गीत गाए हैं अभी अपने अपने जो जो तो कान्हा जी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है देखिए, और अंजलि भी तो ड्रेस पहना रही है। बड़ा नट खट है कृष्ण कन्हैया क्या करे यशोदा मैया, ओ मैया रे हो। अब सुनते सुनते ही सो गए, इतना सुंदर वॉइस अच्छा लग रहा है उसको सुन के पूरा सो गए सुनते सुनते। देखो कान्हा जी अपने झूला में बैठ गए हैं, झूले लाल झूले लाल, झूला लाल का कोई नहीं है ना क्या क्या खिला रहे जी, अभी उनको खाना खीर उनको खिला रहे, विराजमान हो चुके हैं सीट पर अपने, ऐसे खिलाए ना भी खिलाइएगा ना, बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे प्यारे भगनी की जय, यशोदा नंदन की जय। फोटो क्लिक कर देगा चारों जगह, मेरा भी कर दो येलो येलो, ये इसको क्या करना बोले कत्था, हाँ कत्था रेडियो सही है, स्काई ब्लू ना, देख रहे चुन चुन के सब साड़ी पहन के बैठी हुई है, और हमारे कैमरा मैन इतना लेट कर रहा है लेकिन हम लोग का एक ही है, दोनों का अच्छा है।
दोस्तों सॉरी, मुझे वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं पूरा पूजा दिखाती तो शायद मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, जिसके कारण मैं बोली कि यहीं पर अब एंड करते हैं, क्योंकि आरती वगैरह मैं कुछ भी नहीं दिखाई। मैं बोली कि अगले साल और स्पेशल से मनाएंगे, ये दो पूजा एक साथ होगी। और मनसा पूजा के दिन ही मेरी मम्मी हम सबको छोड़ के चले गए, और वही पूजा जब हम लोग करते हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे मन, सबका मन थोड़ा सा सैड हो, बहुत उदास हो जाते हैं हम लोग, बहुत ख़राब लगता है कि उस पूजा के दिन उपवास करके, मतलब माँ की ही पूजा की और उसी दिन ऐसा हुआ, तो उस दिन को याद करते हैं। तो इसलिए सादा सुधा हमने पूजा ये पार किया, और मैं आरती वगैरह नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। जब हम लोग एक साथ तैयार हुए तो बोले थोड़ा फोटो वोटो भी ले लेते हैं, शॉर्ट भी बना लेते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो FB आईडी है मेरी, उसमें 441,000 बोले तो हाँ 441,000 फॉलोअर मेरा कंप्लीट हो गया है, बस आप लोग के प्यार की वजह से। एक बार डिमोनेटाइज हुआ था, मैं बोली थी मेरे चैनल में डिमोनेटाइज हो गया है FB में, जो कि 4 दिन या 5 दिन रहा ऐसे, फिर ठीक हो गया। बोलते देर है अंधेर नहीं है, कितने भी फेक आईडी बना लो, अगर आपका ओरिजिनल आईडी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर से वापस आ गया है, और इतने मेरे फॉलोवर भी हो गए हैं, बस आप लोग के प्यार की वजह से। और आई होप दोस्तों आज का ये हमारा ब्लॉग पसंद आया, फैमिली ब्लॉग। कान्हा जी सबके परिवार में खुशियाँ लाए, सबके परिवार में जो मांगे वो पूरा हुआ, सबके घर में कान्हा जी विराजमान हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। बस ऐसे ही डांसर सनातन, सनातन महतो, सावित्री कुमारी ऑफिशियल और गणेश सावित्री की जोड़ी को प्यार देते रहिए। थैंक यू।